नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक के ऊपर आप धोखाधड़ी का केस कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बार देखा गया है कि बहुत सारी NBFC कंपनी है, 10 लाख रुपये का आपने लोन लिया है किसी भी NBFC कंपनी से, उस 10 लाख के लोन में आपने 3 लाख 2 लाख जैसा भी है आपने पे कर दिया, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो 10 लाख का है वो 10 लाख बना रहता है। इस पर बैंक कहती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ केवल अपना इंटरेस्ट दिया है, आपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है। तो ये सबसे बड़ा स्कैम होता है, इस स्कैम से बचने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, अगर इस प्रकार की NBFC कंपनियाँ हैं, बहुत सारी NBFC कंपनियाँ हैं जिसका के नाम लेना हमें उचित नहीं लगता है, तो आप ऐसे NBFC कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा अपने सिविल कोर्ट में करा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको आपने लोन से संबंधित जो भी आपका अकाउंट स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को लेना है, उस स्टेटमेंट को एक CA से वेरीफाइड करा लेना है, और यहाँ पर जो भी अथोराइज ऑफिसर है, लोन सेंक्शन अधिकारी है, आप उसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये 420C के श्रेणी में आता है कि बैंक के द्वारा इस प्रकार की जो गलती की जाती है यह सबसे बड़ा गलती होता है। यहाँ पे बैंक ने अगर लोन एग्रीमेंट लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सही है, लेकिन इस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी की जाती है, तो आप इस धोखाधड़ी के खिलाफ बैंक के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ ही साथ आप कंज्यूमर फोरम में बैंक के खिलाफ बैंकिंग अनियमितता का भी केस फाइल कर सकते हैं, हरासमेंट का केस फाइल कर सकते हैं, और वहां पे भी आप अच्छा खासा कंपनसेशन ले सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी NBFC कंपनियां होती हैं जो कि अपना ही एक अलग प्रकार से नियम और कानून बनाकर चलती हैं, ऐसे में जो बोरोर होता है वो परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर आपने 10 लाख का लोन लिया और 4 लाख भर भी दिया, और फिर भी बाद में देखते हैं, 1-1.5 साल के बाद देखते हैं कि 10 लाख का 10 लाख बना हुआ है, और ऐसी कंपनी आपसे कहती हैं कि सर आपने तो अपना केवल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है। तो यहाँ पर उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कोर्ट में जा करके कि यहाँ पर प्रिंसिपल किस प्रकार से वो काउंट कर रहे हैं और किस प्रकार से वह इंटरेस्ट काउंट कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से रहा तो आप ज़िंदगी भर ऐसे लोन से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कि 10 लाख का 10 लाख पड़ा हुआ है और आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे NBFC कंपनियां आपको प्रताड़ित करती रहती हैं। लास्ट में ऐसी NBFC कंपनियां क्या कहती हैं कि सर हम आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 10 लाख में से 4 लाख पेमेंट कर भी दिया और वो आपको ऑफर देती हैं कि हम आपसे 8 लाख में सेटलमेंट करना चाहते हैं, यानी कि बात तो वही हो गई कि आपके लोन अमाउंट को बढ़ा करके उसी में से थोड़ा सा छूट वो दे दिया, तो यहाँ पे नुकसान आपको होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, पहला केस करना है बैंक डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस का, जो कि कंज्यूमर कोर्ट में चलेगा। इसके साथ साथ आप बैंक के ऊपर यानी जो भी वो लोन का अधिकारी है उसके खिलाफ आप 420C का मुकदमा कर सकते हैं अपने सिविल कोर्ट में। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो ये जो लोन की राशि है इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। आपने सोचा कि हमारा लोन तो कंप्लीट होते जा रहा है, और ऐसे कंडीशन में बैंक क्या करती हैं कि आपको स्टेटमेंट भी नहीं देती हैं। जब आपको स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लोन की जो राशि है वो कम हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ही दिक्कत होती है, तो आपको इस पर स्टैंड लेना होगा। नहीं लेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। फिर आपको लास्ट में सेटलमेंट करना ही पड़ेगा और फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसों की भुगतान करना होगा। तो दोस्तों आपके साथ अगर इस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है तो आप चुप मत बैठिए और बैंक के खिलाफ केस फाइल करिए। कंज्यूमर फोरम में केस बहुत जल्द निपटारा हो जाता है, और आपके फेवर में अगर जजमेंट आता है तो इसके साथ साथ बैंक से आपको कंपनसेशन में कोर्ट मदद करेगी और एक अच्छी खासी आपको मेंटेनेंस चार्ज भी मिल सकता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा।
दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।